काव्य, ओ मेरी काव्य, अब तो कर्ण भैया भी नहीं रहे, फिर इस भाभी जैसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है। वैसे भी उम्र में मैं तुमसे एक आध महीने पड़ा हूं, इसलिए आज से हम दोनों दोस्त। तुम्हारे लिए मैं रॉकी, मेरे लिए तुम काव्य। मुझसे मुंह फेर कर तुम सच तो नहीं बदल सकती ना काव्य, इसलिए अपनी अकड़ को भूल कर इस बात को तुम मान लो, जिस औरत का सुहाग उजड़ जाता है ना, उसकी तो लंका लग जाती है, और उसके पति के मौत के साथ ही उसके भाग्य का भी द एंड हो जाता है। सफेद साड़ी में लिपटी है बेचारी, साज श्रृंगार भी नहीं कर सकती है, ना बिंदी ना लिपस्टिक, लेकिन एक उपाय है, अगर तुम मुझे हां बोल दो तो मैं तुम्हारे साड़ी का रंग बदलने के लिए तैयार हूं, और मेरे हिसाब से मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर कर्ण का ही खून है। अगर तुम ध्यान से देखोगी तो मुझमें कर्ण का ही अंश पाओगी। क्यों, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं?